आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। लेते हैं दोस्तों पहली खबर को, हेलीकॉप्टर से पिया घर जाएगी शिक्षिका। सदर विकासखंड के बहलोलपुर सराय सागर निवासी प्राइमरी शिक्षक उर्वशी सिंह की शादी यादगार होगी। 26 नवंबर को इंजीनियर पति के साथ सात फेरे लेने के बाद 27 नवंबर को सुबह हेलीकॉप्टर से पिया घर अर्थात ससुराल के लिए विदा होंगे। उर्वशी के पिता ने इसके लिए एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बुक किया है। जिला प्रशासन ने उर्वशी के घर और ससुराल में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति दे दी है। उर्वशी सिंह के पिता विनोद कुमार सिंह भी प्राइमरी शिक्षक है। उन्होंने उर्वशी की शादी लालगंज के रानीगंज कथौला अर्जुनपुर निवासी इंजीनियर अमित सिंह के साथ तय की है। इंजीनियर अमित सिंह भी अब प्राइमरी शिक्षक बन गए हैं। दोनों परिवार ने इस शादी को यादगार बनाने के लिए दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर भी बुक किया गया है, जो कानपुर एयरपोर्ट पर 27 नवंबर को सुबह 9:15 पर दुल्हन के गांव पहुंचेगा। विनोद कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से हेलीकॉप्टर अपने घर के पास और अमित सिंह के गाँव में उतारने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति भी अब दे दी गई है। आए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। छुट्टी के दिन मिड डे मील खिलाने पर शिक्षिका निलंबित। रायबरेली से न्यूज है, विकासखंड बहादुरपुर के कंपोजिट विद्यालय विजयपुर की इंचार्ज प्रधान अध्यापिका किरण ने नौनिहालों के भोजन में घोर अनियमितताएं बरती। बीएसए की जांच में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होने के बाद नौनिहालों को मध्यान्ह भोजन वितरित करना दर्शाया गया था। औचक निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाए जाने पर इंचार्ज को बीएसए ने निलंबित करते हुए पास के स्कूल से संबद्ध कर दिया। तो दोस्तों यहाँ ये प्रकरण देखने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि जिस दिन अवकाश था उस दिन गलती से शिक्षिका ने अपने एमडीएम रजिस्टर में एमडीएम दिखाया होगा और इसी के लिए इसे दंडित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से इस तरह की गलतियों से हमें बचना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। स्कूल में निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में ज्यादा और हकीकत में कम मिले विद्यार्थी, अध्यापक नहीं दे सके कोई जवाब। प्रयागराज से दोस्तों एक खबर है और यहां देख सकते हैं आप, शनिवार को मतदाता पुनरीक्षण की पड़ताल करने पहुंची एसडीएम को चाका के प्राथमिक विद्यालयों में ढेरों कमियां मिली। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मसिका में पांचवी कक्षा का हाजिरी रजिस्टर ही अपूर्ण था। 18 नवंबर से 27 नवंबर तक उपस्थिति नहीं दर्ज होने के संबंध में अध्यापक जवाब नहीं दे सके। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय चाणी में मिड डे मील का रजिस्टर मांगने पर अध्यापकों ने बताया कि प्रधानाचार्य के पास रखा है, इस दौरान वह मौजूद भी नहीं थे। स्कूल के रजिस्टर में कुल 111 छात्र उपस्थित थे, जबकि मौके पर गणना कराई गई तो महज 70 विद्यार्थी ही थे। वहीं प्राथमिक स्कूल पिपराओं में भी अव्यवस्था दिखी। बच्चों के लिए भोजन बनाने के नाम पर चूल्हे का प्रयोग किया जा रहा था। गैस सिलेंडर आदि के बारे में रसोइयां जानकारी नहीं दे सकी। साथ ही मेन्यू के आधार पर एमडीएम भी नहीं बना हुआ था। प्राथमिक विद्यालयों में कहीं एक दो अध्यापक तो वहीं कहीं 8 अध्यापक की भी उपस्थिति रही। प्राथमिक विद्यालय पिपराओं में बोर्ड पर 8 अध्यापकों का नाम देखकर एसडीएम अचंभित रह गई। उन्होंने जब पूछा कि स्कूल पांचवी तक है, कमरे भी सीमित है, ऐसी दशा में 8 अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, इस पर अध्यापक कोई जवाब नहीं दे सके। इसके अलावा कई और स्कूलों में कक्षाओं से अधिक अध्यापक मौजूद मिले। वहीं ग्रामीण अंचल के कई ऐसे स्कूल थे जहां एक या अधिक अध्यापक से पूरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। और दोस्तों यहां देख सकते हैं एसडीएम अमृता सिंह जी का कहना है कि जांच के दौरान तीनों सरकारी स्कूलों में गड़बड़ियां मिली हैं। एमडीएम और हाजिरी रजिस्टर अपूर्ण थे। स्कूल की साफ सफाई संतोषजनक नहीं थी। मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।